आज पूरा विश्व एक महामारी का शिकार है। पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। दुनिया का हर एक नेता इस खतरनाक महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जिस शान और शौकत के साथ, जिस दमखम के साथ हमारे मोदी जी ने इस बीमारी का सामना किया है, इस महामारी का सामना किया है, पूरे भारतीयों को एक किया है, इस पर एक कविता, मैं नहीं कहता कि ये कविता मैंने लिखी है, पर ये कविता न जाने कब की लिखी जा चुकी है। किसी अज्ञात कवि ने ये कविता लिखी जो मोदी जी के ऊपर पूरी तरीके से समर्पित है। तो सुनिएगा, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो, अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ को हराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने घर में दुबकेंगे, जिन जिन भारत मात सताई, जिन जिन भारत मात लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होगी खुदाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबे, युद्ध तीसरा पर्यंकारी, जो होगा भारी संहारी, पर भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा भारत में, न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, हजार वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।